हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर ब्लेंडर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। गाइज़, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप ब्लेंडर के अंदर कोई भी वीडियो को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में इंटरफेस में समझाया था कि ये जो है फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन, ठीक है, ये जो यहाँ टैब है इसकी मदद से भी आप वीडियो को इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके बताऊँगा कैसे वीडियो को इम्पोर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा और जहाँ पर भी मेरी वीडियो है उस फोल्डर में चला जाऊँगा मैं। ठीक है, तो ये कुछ वीडियो है, तो जैसे कि मैं ये वीडियो पे ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके इसको हम ऐसे करके टाइमलाइन पे मतलब ड्रॉप कर देंगे तो हमारी गाइस वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है और यहाँ से हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं और पॉज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिलीट करने के लिए एक्स की का यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से, तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगी हमारी यहाँ से। और दूसरा तरीका भी है, जिस फोल्डर के अंदर हमारी वीडियो है उस फोल्डर पे जाएंगे हम, और जैसे कि मैं सिंपली इसको ऐसे ड्रैग करके ऑल्ट टैब मारूँगा तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम यहाँ ऐसे करके हम ड्रॉप कर देंगे तो ये यहाँ पर वीडियो हमारी आ चुकी है। ठीक है, और मेक श्योर जहाँ भी आपका ये पॉइंटर होगा, जो भी आपका कर्सर होगा, प्लेहेड कर्सर, तो जहाँ आप ड्रॉप करोगे ये वहीं से वीडियो आपकी आगे आ जाएगी। मतलब ये देख सकते हो यहाँ जो हमारा 47 फ्रेम पे था तो 47 फ्रेम से वीडियो हमारी यहाँ पर आई है। ठीक है, तो और इसको हम फर्स्ट फ्रेम पे लाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे, हम बिल्कुल फर्स्ट फ्रेम पे चला गया, वीडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ में, और ऑडियो पे भी क्लिक करेंगे और शिफ्ट एस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये फर्स्ट फ्रेम पे दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप यहाँ ये आ चुकी है। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो वीडियो है हमारी, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी है, जो कि और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 250 फ्रेम जो है इसका एंड फ्रेम है, स्टार्टिंग फ्रेम फर्स्ट है और एंडिंग हमारा ये है 250। ठीक है, तो इसको वीडियो के अकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना होगा, हमें बिल्कुल एंड में जाएंगे वीडियो के, ठीक है, यहाँ से सबसे एंड में जाएंगे फॉरवर्ड करके, ठीक है, तो ये एंड है। अब यहाँ हम देख लेंगे 450 फ्रेम है, ठीक है, 450 फ्रेम है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आउटपुट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एंड फ्रेम को हम कर देंगे 450। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है वीडियो के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ फ्रेम एंड फ्रेम सेट हो गया है। और अब हम वीडियो को प्ले करेंगे कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ऐसा हम इजीली कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको सेट नहीं करेंगे वीडियो के अकॉर्डिंग तो सिर्फ अगर 250 फ्रेम है तो वीडियो को जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो 250 फ्रेम में ही वीडियो एक्सपोर्ट होगी, ठीक है, आगे की वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो इसलिए हमको इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, और अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये अब 250 फ्रेम पे आ चुकी है, अब इसको मैं प्ले करूँगा तो देखना वीडियो पूरी प्ले नहीं होगी, ये देखिए अब यहीं से वापस चली जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हो आप, अब यहीं से वापस ये ऐसी प्ले होती रहेगी। तो क्या करना होगा हमें, इसका जो एंड फ्रेम है वो हमको 450 सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब हम वीडियो को प्ले करेंगे तो वीडियो हमारी पूरी प्ले होगी। राइट गाइस, सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।